गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आर न्यू चैप्टर दैट्स नेम इज पार्ट्स एंड होल्स. सो लेट्स स्टार्ट आर क्लास. फर्स्ट इज स्टूडेंट्स, हम लोग पार्ट्स एंड होल को समझ लेते हैं. होल का मतलब होता है कंप्लीट, और जब कंप्लीट को आप कुछ टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, वही टुकड़े उसके पार्ट्स होते हैं, है ना. चलिए तो एग्जांपल के साथ लेते हैं कि जब आप खाना खा रहे हैं, मान लीजिए आपके फ्रेंड ने आपसे चपाती मांगी, आपके पास एक चपाती है, आप उसी चपाती में से अपने फ्रेंड को देते हैं और अपनी चपाती को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है. और उसका वन पोर्शन जो है आप अपने फ्रेंड को दे देते हैं, और फिर दे करके कहते हैं कि आपने हाफ चपाती अपने फ्रेंड को दे दी है. तो हाफ क्यों कहा? क्योंकि जो आपका होल था, आपने उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उसका वन पोर्शन आपने अपने फ्रेंड को दिया. यानी कि ये टोटल पार्ट कितने हैं इसके? टू है. टू पार्ट्स में से वन पार्ट आपने अपने फ्रेंड को दे दिया, इसलिए ये बन गया हाफ, ठीक है. और हाफ को हम लिखते हैं ऐसे. अब यहाँ से हाफ से सीखते हैं कि ऊपर किसको लिखते हैं, नीचे किसको लिखते हैं. नीचे जो हम लिखते हैं वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होता है. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है. जो होल था उसको जितने भी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हम नीचे लिखते हैं. ऊपर जो हमने लिया है या दिया है, यानी कि गिव या टेक वाले जो पार्ट होते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं. अब इसको मैथ की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को और नीचे वाले पोर्शन को? तो हम ऊपर वाले पोर्शन को कहते हैं न्यूमरेटर. न्यूमरेटर. और नीचे वाले पोर्शन को कहते हैं हम डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर. फिर से लिख रही हूँ, समझ में आया नहीं वहाँ से. ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ये 1/2, ये हमारा न्यूमरेटर है. और नीचे वाला पोर्शन है हमारा डिनोमिनेटर. ठीक है जी. तो ये हो गया. अब इसी के साथ हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं. चलिए तो एग्जांपल लेते हैं हम एक रेक्टेंगल या स्क्वायर का. ये लीजिए, ये हमारा रेक्टेंगल है और इसको हमने फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. 1, 2, 3, 4, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? फोर हैं. अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर हम इजीली दे देंगे. मान लीजिए इसका वन पार्ट शेडेड है और आपसे पूछा जाए शेडेड पार्ट लिखिए कितना है. तो कितना है शेडेड पार्ट? वन है. टोटल नंबर ऑफ पार्ट तो फोर है, तो ये 1/4 जो पार्ट है वो शेडेड है. और अगर आपसे कहा जाए जो पार्ट शेडेड नहीं है वो वाला कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने जो शेडेड नहीं है वो 3 है, और टोटल नंबर पार्ट ऑफ कितने हैं? 4 है. ये हो गए 3/4. अब आपसे कहा जाए कि शेडेड पार्ट कितने हैं, तो 2 है शेडेड पार्ट, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं? 4 है. ये लीजिए, ऐसे करके आपको कितना ही बड़ा दे दिया जाए आप इजीली उसको जो है फाइंड आउट कर लेंगे, है ना. चलिए तो ये तो हमें समझ आ गया है कि किसी भी पार्ट जो कंप्लीट पार्ट होता है वो हमारा होल होता है, और उसको कुछ पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर दें तो वो हमारा जो है क्या हो जाते हैं, उसके पार्ट्स हो जाते हैं. और कोई भी पार्ट अगर निकालने को कहा जाएगा तो हम वो भी निकाल लेंगे. चलिए तो अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर में कहा क्या गया है. आर फ्लैग, आप लोगों ने अपना फ्लैग तो देखा ही होगा, है ना. चलिए इसके बारे में क्या कहा गया है देखते हैं. यू मस्ट हैव सीन द फ्लैग ऑफ आर कंट्री. आपने अपनी कंट्री का जो फ्लैग है वो तो देखा ही होगा. डू यू नो हाउ टू ड्रॉ द फ्लैग, क्या आप जानते हैं कि वो फ्लैग कैसे ड्रॉ किया गया है? चलिए देखते हैं क्या कहा है. ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर. एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है 9 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ हो. एंड वर्थ 6 सेंटीमीटर, और उसकी वर्थ जो है वो 6 सेंटीमीटर हो. ये लीजिए 6 सेंटीमीटर. तो हम अपना रेक्टेंगल कंप्लीट कर देते हैं.
ये लीजिए, कहता है डिवाइड इट इंटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड कंप्लीट द फ्लैग। इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और अपने फ्लैग को कंप्लीट कीजिए। ये लीजिए 2-2 सेंटीमीटर पर हम जो है लाइन लगा लेंगे और ये हमारे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ठीक है जी, ये हो गया। अब कहा है द टॉप 1/3 ऑफ आर फ्लैग इज सैफ्रन और ऑरेंज। जो टॉप 1/3 पार्ट है, ये वाला टॉप, ये कैसा कलर है? ऑरेंज और सैफ्रन। ये रहा अपना फ्लैग और इसमें देखिए ये ऑरेंज और सैफ्रन कलर का है। और 1/3 क्यों कहा कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं? 3 है और उसका 1 पार्ट पूछा है कौन सा कलर है? सैफ्रन, तो 1/3 हो गया। ठीक है जी, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द मिडल 1/3 ऑफ द फ्लैग? जो मिडल पार्ट है ये वाला किस कलर का है? ये है हमारा वाइट कलर का, आप फ्लैग में भी देख सकते हैं। ठीक है जी, ये कौन सा कलर हो गया? वाइट कलर हो गया। वेयर विल यू ड्रॉ द अशोका चक्र? आप अशोका चक्र कहाँ पर ड्रॉ करेंगे? तो हम अशोका चक्र ड्रॉ करेंगे मिडल में, और आप इस फ्लैग में देख सकते हैं जो वाइट वाला पोर्शन है उसमें एक चक्र ड्रॉ किया गया है और इस चक्र को बोलते हैं हम अशोका चक्र। ठीक है जी, तो कहाँ ड्रॉ करेंगे? मिडल 1/3 पार्ट या फिर इन वाइट पार्ट। फिर आ गया हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन? आप फ्लैग के कौन से पोर्शन को, कितने पोर्शन को जो है ग्रीन कलर करेंगे? तो ये लीजिए, ये है हमारा नीचे वाला पार्ट और तीनों ही पार्ट्स इक्वल है तो 1 पार्ट में हमें करना है और टोटल पार्ट 3 यानी कि 1/3 पार्ट में हम लोगों को ग्रीन कलर करना है। ठीक है जी, क्या करेंगे? 1/3 पार्ट में ग्रीन कलर करेंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं, कहता है इज़ द वाइट कलर नाउ लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग एंड व्हाई? क्या जो ये वाइट वाला कलर है ये 1/3 से कम है और क्यों है? हाँ, कम है, क्यों है? देखिए, इसके बीच में जो है अशोक चक्र ड्रॉ किया गया है। जब अशोक चक्र हम ड्रॉ करेंगे तो वो भी तो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो जैसे ही अशोक चक्र उसमें से कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा तो जो वो वाइट वाला पोर्शन है वो वाला हमारा कम हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम लिखेंगे यस द वाइट कलर नाउ लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग बिकॉज ऑफ द अशोक चक्र। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दिया गया है नाउ लुक एट द फ्लैग। ये इस वाले फ्लैग के बारे में कहा गया है, कहता है कि नाउ लुक एट द फ्लैग हाउ मच ऑफ इट इज ब्लैक। इस वाले फ्लैग में देखिए इसमें कितना जो है ब्लैक पोर्शन है। तो सबसे पहले हम लोग फ्लैग को देख रहे हैं कि फ्लैग 3 पार्ट्स में डिवाइड है और 3 पार्ट्स जो है वो सभी इक्वल दिख रहे हैं, है ना? तो 1 पार्ट जो है वो ब्लैक है, तो कितना पार्ट है ब्लैक? 1 है, और टोटल कितने पार्ट हैं? 3 है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 1/3 पार्ट ऑफ द फ्लैग इज ब्लैक। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटन एज। जो ग्रीन वाला पार्ट है इस फ्लैग का उसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो आप देखिए कितना है ये ग्रीन वाला पार्ट, 1 पार्ट है, और टोटल पार्ट कितने हैं? 3 पार्ट है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? 1/3, इसको 1/3 करके लिख सकते हैं या फिर 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है इज रेड लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग वाई। जो रेड वाला पोर्शन है वो क्या कम है 1/3 से, और अगर है तो क्यों है? तो ध्यान से देखिए, इस रेड वाले पोर्शन में जो है एक सिंबल बना हुआ है वाइट कलर का, इसकी वजह से जब बीच में कुछ बनेगा तो ऑब्वियसली जो रेड वाला पोर्शन है वो कुछ ना कुछ तो कम होगा। तो क्या हुआ कि रेड वाला पोर्शन पूरा 1/3 नहीं है, उससे कम है, तो होगा हमारा यस रेड लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग बिकॉज
A white emblem is also present in the red portion of the flag. ठीक है, ये वाइट कलर का जो है एम्ब्लम भी तो है ना, इसमें वाइट पोर्शन, तो इसलिए जो है हमारा रेड वाला पोर्शन कम होगा। ठीक है, चलिए अब अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगले वाला क्वेश्चन है कि दिस इज द फ्लैग ऑफ म्यांमार। म्यांमार कंट्री है, हमारी नेबर कंट्री है, और यहाँ पर बताया आर नेबर इज ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस। जो ये ब्लू वाला पोर्शन है ये 1/4 से ज़्यादा है या फिर कम है। ठीक है, तो देखिए इस वाले को एक बार देख लेते, ड्रॉ करके पता चल जाएगा। ये लीजिए, अब इस वाले पोर्शन को देखिए, इस वाले पोर्शन को देखिए, इसमें ये वाला पोर्शन ज़्यादा है और ये वाला कम है, तो इससे पता चल रहा है कि जो ब्लू वाला पोर्शन है वो तो कम ही है। यस द ब्लू पोर्शन ब्लू लेस देन 1/4 ऑफ द फ्लैग। ये ब्लू वाला है, ब्लू पोर्शन लेस देन 1/4 ऑफ द फ्लैग। चलिए अब आगे कहा है, गैस हाउ मच ऑफ द फ्लैग इज रेड, इज इट मोर देन 1/2, इट इज मोर देन 3/4। कहता है कि गैस कीजिए जो ये फ्लैग में जो रेड वाला पोर्शन है ये मोर देन हाफ है, मोर देन 1/2 है या फिर 3/4 से ज़्यादा है। अब लीजिए इसको लिख लेते हैं, 1/2 तो ये हो गया और 3/4 ये हो गया पोर्शन। अब इसको अगर हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो लाइन है ब्लू पोर्शन से कुछ इस तरह आएगी। ये लीजिए 1, 2, 3, थ्री पार्ट तो इसने पूरे कंप्लीट कर ही लिए हैं, और देखिए थ्री पार्ट से कुछ ऊपर भी जा रहा है, तो ये क्या हुआ, 3/4 से ज़्यादा हुआ। तो क्या लिखेंगे, रेड कलर इज़ प्रेजेंट इन मोर देन 3/4 ऑफ द फ्लैग, 3/4 से ज़्यादा है। स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट। आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, टेक केयर।